त्रिवेंद्र सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी बातों से बाज नहीं आ रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं सीधे सीधे जीरो टॉलरेंस की। और ऐसे में ही एक ऑडियो जो है इन दिनों काफी वायरल हो रहा है उत्तराखंड में, जहां पर प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दिलाने की बात की जा रही है, पैसे की मांग की जा रही है। ऑडियो आपको सुनाते हैं। कौन सा चल रहा है स्कूल? तो बच्चे कितने हैं? बच्चे 287। सत्तर तो बहुत है भैया, इसमें मंत्री जी के हाथ में ही है सब। हाँ, मंत्री जी भी लेंगे क्या आपने? और क्या, मंत्री जी का स्टाफ तो लेगा। कितना लेगा? बात हुई अभी सोमपाल से? हैं? सोमपाल से बात हुई ना? अभी तो उनको नहीं मिला, मेरा पता करें कितना है, कहते हैं वो तो बहुत मांगते हैं। कितना फिर? अब 50 से ऊपर ही लगा लो। जिनके मानक हो रहे हैं उनके उनसे भी लेते हैं? जिनके मानक हो रहे हैं वो तो करते ही नहीं है। हाँ? वो तो दम पड़ी रहती है जिनके मानक हो रहे हैं। हाँ, जिनके मानक नहीं हुए, जिनके मालिक नहीं हो तो उसी के बाद खर्चा ज्यादा करते हैं लोग, सब जगह दे जाके फटाफट फाइल में बढ़वाते हैं। तो इतनी तो गुंजाइश नहीं है हमारी। हाँ, इतने 50,000 की तो गुंजाइश नहीं है। तो फिर प्लस यहाँ शासन का कहा गया, फाइल तो जाएगी यहीं से। निदेशालय से तो पास होकर के आपके पास आई होगी ना? निदेशालय से तो पास होके आए, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दबी न रह जाए, इसलिए मैंने कहा अपने क्षेत्र का आदमी है तो चलो बता देता हूँ। तो ये ऑडियो आपने सुना कि किस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जो कोशिशें हैं वो किस तरह से नाकाम साबित हो रही हैं। इसी खबर पर अरविंद पांडे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ऑडियो वायरल हुआ है और इसमें लेन देन की बात कही जा रही है, स्कूल को मान्यता देने के लिए पैसों की मांग की जा रही है और आपके स्टाफ के व्यक्ति का नाम भी लिया जा रहा है। बिल्कुल, अगर जो ऐसा कहीं है तो इसको दबाने से हमारे डिपार्टमेंट को अच्छा नहीं हो जाएगा, बल्कि ये कमियां सामने आएंगी और उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि आगे इन चीजों पर पूर्ण विराम बनेगा। तो अगर आपके पास भी कोई सीडी ऐसी है तो आपको खुद चलाना चाहिए और निश्चित ही हम उसका संज्ञान लेकर हम कार्रवाई भी अवश्य करें।